खबर सामने आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने पूछताछ में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम भी लिया है, यानी अब इस मामले में अबू सलेम की एंट्री हो गई है, यानी अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ गया है। पूछताछ में पता यह चला है कि एनकाउंटर से पहले असद और गुलाम को छिपाने में अबू सलेम के कुछ लोगों से मदद ली गई थी। क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अपने बेटे असद और दूसरे शूटरों को छिपाने के लिए अंडरवर्ल्ड की भी मदद ली गई, जिनमें कुछ अबू सलेम के करीबी थे। यानी अतीक के बेटे असद को सुरक्षित ठिकाना देने में अबू सलेम के लोग भी शामिल थे। यही नहीं, पूछताछ में अतीक ने पुलिस को दिल्ली के एक बड़े नेता का नाम भी बताया, जिसने असद और शूटर गुलाम का मुंबई में रुकने का इंतजाम किया था। हालांकि उस नेता का नाम अभी सामने नहीं आया है। यही नहीं, दिल्ली के एक नेता का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में हुई पूछताछ में अतीक अहमद कई चौंकाने वाली बातें उसकी तरफ से की गई है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम भी शामिल है। जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। अतीक ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसने ही की थी, क्योंकि वो खुलेआम उसके खिलाफ बोल रहा था। ऐसे में अतीक को अपना और अपने गैंग का खौफ खत्म होने का डर था। सूत्रों के मुताबिक इसलिए उसने उमेश पाल को दिन दहाड़े निपटाने का प्लान बनाया। और इसके साथ ही कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज में उसका डर कायम रह सके, इसको लेकर पूछताछ जारी है। और पूछताछ के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक अतीक ने आगे जो बताया है वो और भी चौंकाने वाला था। जिसके मुताबिक प्रयागराज में अपना खौफ कायम रखने के लिए ही उसने उमेश पाल को उसके घर के बाहर पुलिस वालों के साथ मारने की प्लानिंग की थी, ताकि इलाके के लोग ये जान लें कि अतीक चकिया अभी जिंदा है। यानी प्रयागराज के लोगों में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए अतीक अहमद ने ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे असद को भी उसी ने इस साजिश में शामिल किया, जबकि बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया था। और वहीं असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक की आंखों से नींद छीन ली है, और बताया ये गया है कि वो बेटे की याद में रात भर जेल में रोता रहा। हालांकि असद के एनकाउंटर की खबर अतीक को पेशी के दौरान कोर्ट में ही मिल गई थी और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा था, लेकिन जब रात के अंधेरे और जेल के अकेलेपन ने उसे घेरा तो वो बेटे असद को याद कर रात भर रोता रहा। बेटे की मौत ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया कि उसकी आंखों से नींद ही उड़ गई। यही नहीं, वो उसके जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे कोर्ट से इजाजत नहीं मिली। तो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद झांसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उसकी लोकेशन का जिक्र है। और पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बीते 12 और 13 अप्रैल की रात यूपीएसटीएफ को अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की लोकेशन झांसी के चिरगांव कस्बा के आसपास मिली थी। बाद में पुलिस के सूत्रों ने भी दोनों को रात में इसी इलाके में देखे जाने की पुष्टि की थी। इसी आधार पर एसटीएफ के डीएसपी विमल कुमार सिंह और उनकी टीम बड़गांव के आसपास के इलाके में पहुंची और दोनों की तलाश में जुट गई थी। बाद में झांसी के इसी इलाके में दोनों एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज में ही दफनाया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में तैयारियां पूरी हो चुकी है। जहां असद को दफनाया जाएगा, कब्रिस्तान में असद को दफनाने के लिए करीब 6.5 फीट लंबी और 8 फीट गहरी कब्र खोदी जा रही है। कब्र तैयार करने वाले लोगों के मुताबिक सुबह अचानक फोन आया, जिसके बाद वो अपने काम में जुट गए। ये सुबह और इस बीच अतीक अहमद की जो रिमांड कॉपी सामने आई है, उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इस रिमांड कॉपी में पुलिस ने अतीक अहमद के उस बयान का जिक्र किया है, जो अतीक ने पुलिस के सामने 12 अप्रैल 2023 को दिया था, जिसमें जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश की गई थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने कबूल किया कि जेल के अंदर से ही उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग बनी। इस प्लानिंग में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल से जुड़ी हुई एक एक जानकारी अतीक और अशरफ तक शाइस्ता ने ही पहुंचाई थी। शाइस्ता ने उमेश पाल की रेकी करवाई थी और उसके बाद जेल के अंदर अतीक और अशरफ को मोबाइल फोन भी मुहैया कराए गए।
कोर्ट के सामने जो रिमांड कॉपी पुलिस ने पेश की उसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की भूमिका निकलकर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में बताया है कि जेल में मुलाकात के दौरान शाइस्ता से नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने के लिए बोला गया था और उस आदमी का भी जिक्र किया गया था जिसके जरिए मोबाइल और सिम जेल तक पहुंचे। इसके साथ ही शाइस्ता ने ही जानकारी दी थी कि उमेश पाल के साथ हमेशा दो गनर रहते हैं, जिसके बाद जेल के अंदर बैठकर साजिश रची गई और 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ के साथ साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है जो फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार पुलिस कर रही है, इसके लिए अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। इस बीच खबर है कि जल्द ही अब शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, जिसका जिक्र पुलिस की रिमांड कॉपी में भी है कि कैसे अतीक के कहने पर जेल में मोबाइल और सिम शाइस्ता ने पहुंचाए थे। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब शाइस्ता के पुलिस के सामने सरेंडर करने की तैयारी है। वही शूटर साबिर भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का मोटरसाइकिल सवारों ने पीछा किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बंभिया गैंग ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी और उसी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन एक दिन पहले 3 मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करते दिखे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में तीनों के मुंह कपड़े से ढके नजर आए। बताया गया कि गुरुवार को मनकीरत औलख अपने काफिले के साथ घर की तरफ आ रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। हाउसिंग सोसाइटी के गेट के पास जब उनका सुरक्षा गार्ड कार से बाहर निकला तो उसे देख 3 लड़के भाग निकले जो काफी देर से उनके पीछे लगे थे। बंभिया गैंग से धमकी मिलने के बाद अब कई तरह की खबरें सामने आ रही है। पंजाब पुलिस के कई जवान उनकी सुरक्षा में तैनात है, कुछ निजी सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ रहते हैं। इसके बावजूद 3 मोटरसाइकिल सवारों ने कई किलोमीटर तक उनकी रेकी की, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई। बताया गया कि जिस बंभिया गैंग से मनकीरत को धमकी मिली थी उसने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें दावा किया गया कि सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी जानकारी मनकीरत ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त से ही बंभिया गैंग पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब से राजस्थान तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पिछले 28 दिनों से फरार चल रहे अमृतपाल के राजस्थान में छिपे होने की खबर है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल राजस्थान के हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर में हो सकता है, जिसके बाद राजस्थान और पंजाब पुलिस की टीमों ने हनुमानगढ़ के गाँव में छापेमारी की। डीजीपी ने पुलिस और जांच एजेंसियों से कुछ अहम जानकारी मिलने का दावा किया। हमारी टीमें काम कर रही हैं, कुछ इनपुट है। वहीं राजस्थान